महान दिग्विजयनाथ व महंत अवैधनाथ की श्रद्धांजलि साप्ताहिक समारोह में शिरकत करने गोरखपुर आई पूर्व केंद्रीय मंत्री व मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री फायर ब्रांड नेता साध्वी उमा भारती ने कहा कि वे महंत अवैधनाथ से ही दीक्षा लेना चाहते थे, लेकिन उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अयोध्या में जहाँ रामलला जी बैठे हैं, वहीं श्री राम मंदिर का निर्माण होगा, कोई माई का लाल उन्हें हिला नहीं सकता। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा कि जब मैं पहली बार महंत अवैधनाथ जी से अयोध्या में मिली तो चकित रह गई कि वो उम्र में बड़े थे, लेकिन उनकी भाषा और व्यवहार में सरलता थी। कहीं जाते थे तो सबको सोचना पड़ता था कि क्या करें, यहाँ क्यों आए हैं, क्योंकि काफ़ी सरल स्वभाव से ये नदी की तरह और शांत प्रभाव के रहते थे। शंकराचार्य जी इसके गवाह हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा, मैं सोच रही थी कि क्या करूं, सन्यासी लूंगी तो कान में जो कुंडल लगाया जाता है उस समय कितना दर्द होता होगा। तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, सन्यास लेते समय ऐसा भाव रहता है, दर्द का पता नहीं चलता। उसके बाद मैंने सन्यास की दीक्षा ली और भारती की जगह मेरा नाम उमाश्री भारती कर दिया गया। उनसे मैंने पूछा सन्यास के बाद राजनीति करनी है कि नहीं, उन्होंने कहा और विकट परिस्थितियों में राजनीति करनी है। सन्यासी देश के लिए राजनीति करता है, धर्म की राजनीति करता है। इस तरह से मेरे सन्यासी जीवन का आशीर्वाद है। मैंने 11 साल अटल जी और 5 साल मोदी जी के साथ राजनीति की है। अब मैं ये 1.5 साल गंगा जी के किनारे बिताना चाहती हूँ। मेरी पूरी जिंदगी अब राम, गंगा और तिरंगा के लिए समर्पित है। इसलिए सबके सामने ये तय हुआ राजमाता विद्याराजे सिंधिया जी, जो मेरी
में माँ की भूमिका में रही। उन्हें तय किया कि मैं उन्हीं की कर्नाटक के विश्व स्थित बेदावर स्वामी महाराज जी से संन्यास की दीक्षा लूं। महाराज जी ने भी थोड़ी हिचक के साथ उसको स्वीकार कर लिया, क्योंकि हमारे मठ की परंपरा में जो ब्राह्मण नहीं है और जो स्त्री है उसको संन्यास लेने की परंपरा नहीं थी। लेकिन मेरे गुरु ने 800 साल की परंपरा तोड़ करके मुझे संन्यास का पात्र माना और संन्यास की दीक्षा प्रदान की। उस समय पर जो तिथि तय हुई वो 17 नवंबर 1952 की तिथि तय हुई, और जिस दिन तिथि तय हुई उसमें 1.5 साल का गैप था। इसी बीच में अवैधनाथ जी महाराज को मिली, तो मेरे मन में विचार आया क्या मैं अवैधनाथ जी से संन्यास ले सकती हूँ, जिसका जिक्र मैंने कल किया था आपसे। और इसके बारे में मैंने पहले भगवती जी से ही पूछा कि आपकी परंपरा में क्या महिलाओं को संन्यास देने की परंपरा है या योगियों की मैं महिलाओं की परंपरा है। तब उन्हीं ने मुझे बताया कि जो 9 योगी हैं उनमें से जो दूसरे नंबर के हैं उदयनाथ, वो पार्वती के ही अवतार हैं, और हमारे यहाँ पर स्त्री और पुरुष का समान रूप से सम्मान होता है, हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है। जब मेरे मन में आया तो मैं दूसरी बात के साथ मिलकर बताया, वो कान फाड़ के कुंडल पहनाने वाली बात पर पूछने लगी, क्योंकि मुझे दर्द बहुत जल्दी होता है कि वो जब कान में से कुंडल निकालते हैं तो कितना दर्द होता है। और उन्होंने मुझे कहा कि अरे नहीं, जब योगस्थ कोई व्यक्ति संन्यास क्रिया से गुजरता है तो ये अनुभूति नहीं होती है। लेकिन अंत में राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी, अशोक जी, आचार्य गिरिराज जी सब ने कहा कि जो तय हो चुका है, और अवैधनाथ जी महाराज जी ने भी कहा कि जब तय हो चुका है कि आपको विश्वेश्वर जी से ही संन्यास लेना है, उन्हें पता नहीं था, उन्होंने कहा कि आप उनसे संन्यास की दीक्षा लीजिए। और मैंने नर्मदा किनारे अमर कंटक पर 17 नवंबर 1952 को संन्यास की दीक्षा ली, और महाराज ने मेरा नाम बदलकर उमा भारती की जगह उमा श्री भारती कर दिया। मेरा जो संन्यास का नाम है उमा श्री भारती है। मैंने उनको पूछा कि संन्यास के बाद राजनीति करनी है कि नहीं, तो उन्होंने मुझे कहा कि और विकट होकर के राजनीति करनी है, क्योंकि सन्यासी तो और निर्मोही होकर के राजनीति करता है, देश के लिए राजनीति करता है, धर्म के लिए राजनीति करता है, आप करिए। और इस तरह से मेरे सन्यास जीवन का प्रारंभ हुआ, और मैं भारती जी के संपर्क में निरंतर बनी रही। उसके बाद योगी जी जब सांसद होकर आए, उसके पहले से मैं योगी जी को यहाँ देखती थी। जब वो आए बहुत शर्मीले सांसद थे और शर्माते बहुत थे और एकदम लाल से पड़े रहते थे शर्म के मारे, और पीछे से थोड़ा सा केसरिया रंग झलकता था, अन्यथा मैंने देखा कि वो लगभग शर्माते ही रहते थे जब वो पहली बार संसद में पहुंचे। और मैं उस समय पर मिनिस्टर थी, क्योंकि मैं 1958 में ही मिनिस्टर बना दी गई, मुझे अटल जी के साथ 6 साल तक मंत्री बनने का मौका मिला, मैं राजमंत्री से कैबिनेट मिनिस्टर तक उनके साथ बनी, तो मुझे महाराज के प्रति बहुत स्नेह पड़ता था। उनको मैं वो 26 साल के थे, मैं 38 की थी जब वो बनकर के आए, तो मैं उनको पीछे मुड़ के देखती रहती थी, बताइए महाराज कोई काम हो, और बेचारे सुनते ही पहले तो शर्मा जाते थे, फिर मैं देखती थी कि वो क्या काम चाहते हैं, और फिर मैं देख रही थी कि वो अपने संसदीय क्षेत्र के लिए, पूर्वांचल के लोगों के लिए, यूपी के लिए और गरीब लोगों के लिए कितने समर्पित रहते थे। इसके बाद में मेरी जिंदगी में मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। मैं आज बहुत भावुक होकर बात कह रही हूँ शंकराचार्य जी के सामने कि 11 साल मुझे केंद्र में 11 साल मंत्री रही, 6 साल अटल जी के साथ और 5 साल नरेंद्र मोदी जी के साथ मैं मुख्यमंत्री रही हूँ। मैं पार्टी की महासचिव रही, उपाध्यक्ष रही, युवा मोर्चा की अध्यक्ष रही, और ये सारी जीवन की मेरी यात्रा 52 साल होते होते लगभग पूरी होने को आ गई थी। आज मुझे सामाजिक जीवन में 56 साल हो गए, मैं 53 साल हो गए, मैं लगभग 6 साल की उम्र से सामाजिक जीवन में आ गई थी। अब मैं 1-1.5 साल गंगा के किनारे बिताना चाहती हूँ, और मैं वही थी जब मुझे योगी जी ने टेलीफोन किया, तो उन्होंने मुझे वहीं से कहा कि नहीं यहाँ तो आना पड़ेगा। और इसलिए मैं इसी मौसम की विपरीतता के कारण मुझे कलझुआ भी आ गया। आज मैं आपके सामने एक बात कहने जा रही हूँ कि लगता है मुझे योगी जी ने नहीं बुलाया, शायद मुझे गंभीरनाथ जी, दिग्विजयनाथ जी और अवैधनाथ जी ने ही बुलाया, क्योंकि मेरे जीवन में मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ उस सबको भोजन बना करके थाली लगा के मैं गंगा जी को भेंट करना चाहती हूँ, गंगा जी को भोग लगाना चाहती हूँ, और मैं गंगा जी को कहना चाहती हूँ कि तुम अविरल और निर्मल बहती रहो, और तुम्हारे रास्ते में अगर
कोई बाधा आई तो प्राण का दाम लगा करके भी उस बाधा को रास्ते से हटाया जाएगा, क्योंकि गंगा देश जीवन का है। और शायद इसलिए मुझे योगी जी के नाम बुलाया होगा, क्योंकि इस मठ से गोरक्षद्वीप से आपको याद होगा पुराणों में यही गाथा है कि जब पृथ्वी पर संकट आया तो पृथ्वी गौ का रूप धारण करके गई थी देवताओं के पास और उसने अपने प्राणों की रक्षा की मांग की थी कि मुझ पर संकट आया हुआ है, तब भगवान का अवतार हुआ था। तो यह धरती ही गौ का रूप धारण करती है और इस धरती की रक्षा करने का जो काम है वो गोरक्षद्वीप का है और वर्तमान में गोरक्षद्वीपाधीश्वर योगी आदित्यनाथ को भगवान ने यह काम सौंपा हुआ है। मैं आपको याद होगा उत्तर प्रदेश का चुनाव जब हुआ तो जिन लोगों की मुख्यमंत्री होने की चर्चा थी उनमें मेरा भी नाम था। तब योगी जी के नाम की चर्चा नहीं थी, मैं तब की बात कर रही हूँ। उस समय के पत्रकारों ने मुझे पूछा कि भाजपा के एक और नेता का नाम है जो मुख्यमंत्री हो सकते हैं, एक नेता का नाम भी लिया जिनका नाम यहाँ नहीं होगी, और उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं कि पार्टी यदि कहेगी तो मैं पार्टी का अनुशासन मान लूंगा, इसमें आप क्या कह रहे हैं। मैंने कहा मैं बिल्कुल पार्टी का अनुशासन नहीं मानूंगी, मुझे बिल्कुल मुख्यमंत्री नहीं बनना है, मुझे गंगा के लिए ही जीना है और गंगा के लिए ही मरना है। जब हमारी पार्टी के वरिष्ठतम नेता ने मेरे कान में सबसे पहले सूचना दी कि दीदी आपको पता है मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है, मैंने कहा बताइए, तो उन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ, आप यकीन नहीं कर सकते हैं। मैं एकदम उछल गई और मैंने कहा कि इससे ज्यादा मेरे जीवन की खुशी का कोई दिन नहीं हो सकता। और अगर मीडिया को याद हो तो मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना वामपंथियों के गाल पे चांटा जलाना है, थप्पड़ जलाना है, हमारी हंसी उड़ाते रहे। आज ने योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में काम करना पड़ेगा उन सभी लोगों को मेरे का। और जैसे मेरी मुझे नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ जी सिर्फ योगी आदित्यनाथ, मुझे लगता है जैसे वो मेरी स्वयं आकांक्षाओं की एक साकार मूर्ति है, हम सबकी आकांक्षाओं की एक साकार मूर्ति है। इसलिए आज मैं यहाँ से हिमालय वापस जाऊंगी और मैं लगभग सवा साल गंगा के किनारे पर लगभग मौन जैसा रहकर के ही बिताने का प्रयास करूंगी। गंगा की कार्य योजना बन चुकी है, 2016 में उसका शुभारंभ हो चुका है, उसके परिणाम भी सामने आ चुके, धीरे धीरे आते जा रहे। अब राज्यों को और केंद्र सरकार को अपने दृढ़ निश्चय का परिचय देना है, अब किसी अभियान या आंदोलन की जरूरत नहीं है और ना राम जन्मभूमि के लिए भी, क्योंकि जहां रामलला बैठे हैं। मैं अवैधनाथ जी का स्मरण करके आदरणीय शंकराचार्य जी जिनकी देख रेख में हम सब आंदोलन रद्द होते हैं, मैं ये बताना चाहूँ आपके ईमानदारी से बताइए, जहां रामलला बैठे कोई माई का लाल है जो वहां मंदिर के अलावा और कुछ बना सकता हो, आप मुझे बताइए क्या रामलला जहां चला गया है अपने जीवन को दांव पे लगाया। राम गंगा और तिरंगा इनके लिए मैंने भी अपने जीवन को दांव पे लगाया और आगे भी जब जरूरत पड़ेगी तो देश और धर्म की रक्षा के लिए मैं तत्पर रहूंगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज अपने शंकराचार्य जी का अपने आशीर्वाद दूंगी, यहाँ पर उपस्थित वंदनीय संत समाज का आशीर्वाद दूंगी और आप सब बहने जो यहाँ बैठी है देवियाँ इनका आशीर्वाद मांगूंगी, आप सबका आशीर्वाद मांगूंगी और हमारे बंदिया नृत्य गोपाल दास जी भरा जा रहे हैं लोगों को। अच्छा और ये रात हिंदुस्तान का नंबर 1 का रात बनेगा। इन शब्दों
के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। मुझे चर्चा महंत अवैधनाथ जी के बारे में करनी थी, वो मैंने कर दी। इन्हीं शब्दों का स्वागत करने के लिए।